और इंदौर में अब वाहन चालकों को भीषण गर्मी में ट्रैफिक सिग्नल पर ज्यादा देर नहीं रुकना पड़ेगा। आम जनता को राहत देने के लिए ट्रैफिक विभाग ने सिग्नल के टाइम में कमी की है। फिलहाल इंदौर बीआरटीएस पर लगे 7 ट्रैफिक सिग्नलों पर 40 सेकंड से 1 मिनट तक का समय कम कर दिया गया है। अब वाहन चालक सुबह 11:30 से शाम 4:30 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल पर ज्यादा देर तक नहीं ठहरेंगे, जिससे उन्हें तेज गर्मी में कुछ राहत जरूर मिलेगी। इंदौर के पलासिया चौराहे का जायजा लिया हमारे संवाददाता अखिलेश सेन ने। इंदौर के जो ट्रैफिक सिग्नल है उनके जो समय है वो कम किया गया है, यानी कि 1 मिनट का जो सिग्नल था उसमें 40 सेकंड कम कर दिए गए। जो दोपहिया वाहन चालक है उन्हें राहत देने की यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कोशिश भी की गई है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने उसने एक शुरुआत की है और शुरुआत के साथ ही जो ट्रैफिक के जो सिग्नल है उसमें समय में कमी की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए सुमन सिंह है। सुमन, किस प्रकार का जो पहले वो ट्रैफिक पुलिस ने की है और कितना फ़ायदा यहाँ पर ये वाहन चालकों ने मिलने वाला? आप देख सकते हैं वाहन चालकों को इसका काफ़ी फ़ायदा मिला है। जिस तरह से भीषण गर्मी है, चूँकि हम भी ड्यूटी करते हैं तो हम ये अनुभव कर सकते हैं कि एक वाहन चालक जो खासकर दोपहिया वाहन चालकों को कितनी समस्याएँ आती है। हमने कल से चौराहों का टाइमिंग चेंज किया है। टाइमिंग में मुख्य अनुसार 11:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक का जो जब काफ़ी धूप होती है उस समय हमने जो सिग्नल का टाइमिंग इस तरह कम किया है कि कहीं चौराहे पर 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक पूरा सर्कल में कम हुआ है। प्लासे चौराहे की बात करूं तो यहां पर 190 सेकंड का पूरा सर्कल था, तो इसका हमने सिंक्रोनाइज इस तरह से किया है कि 150 सेकंड में भी वो ट्रैफिक निकल पा रहा है और वाहन चालकों को 1 मिनट से ज़्यादा रुकना नहीं पड़ रहा है रेड लाइट पर और ट्रैफिक व्यवस्थित चल रहा है। कितने ऐसे चौराहे हैं जिन पर यह समय है वो कम किया गया है? जी, कल हमने बीआरटीएस के पे, चूँकि ज़्यादा सिग्नल आते हैं वहाँ शुरुआत करी थी, तो बीआरटीएस के 7 चौराहों पर इस तरह का हमने ट्रायल किया और ये काफ़ी सफल रहा। और इस ट्रायल के बाद में जो है दोपहिया वाहन चालकों ने भी रिव्यू दिया है कि सर ये काम आप लोगों ने बहुत अच्छा करा, ये एक लोगों को सुविधा के लिए चीज़ की है। फिर भी लोगों से अनुरोध है कि आप दोपहिया वाहन चालक हैं तो आप हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये जो हेलमेट है आपको धूप से भी बचाएगा और दुर्घटना से भी बचाएगा। सड़क पर सिर्फ धूप लगे इसलिए आप जल्दबाजी भी ना करें, कई वाहन चालक रेड लाइट उल्लंघन कर जाते हैं, इसमें हादसे भी हो जाते हैं। इंदौर पुलिस की जो एक शुरुआत है जिसमें जो चौराहों का सिग्नल का समय कम किया गया है, गर्मी से बड़ी राहत यहाँ पर वाहन चालकों को मिलते हुए भी दिखाई दे रही है। क्योंकि फिलहाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ अखिलेश सेन, बंसल न्यूज़, इंदौर।